कर्म भूमि की माटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर की उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों, मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं, उत्तर प्रदेश की इस माटी को प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री जी जल्दी जुड़ने वाले हैं, सांसद में मेरे साथी भाई सुरेंद्र नागर जी, हमारे तीनों विधायक भाई पंकज जी, भाई तेजपाल जी, धीरेन्द्र जी, नवाब सिंह नागर जी, विकास गुप्ता जी, बहन हमारी बिमला बाथम जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, हमारे सभी अधिकारीगण, भाई श्री सिंह शर्मा जी। साथियों, ये हम सब के लिए गर्व और गौरव का दिन है कि हम इस उत्तर प्रदेश की माटी, इस गंगा जमनी तहजीब की माटी और उसकी एक खूबसूरत झलक आज हम इस मैदान के अंदर देख रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था लेकिन लखनऊ का मौसम खराब होने के कारण वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कल ही उन्होंने 100 करोड़ से अधिक की लागत का स्टेडियम नोएडा के अंदर लोकार्पित किया और आज इस भव्य आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जिस गंगा जमनी तहजीब की महक पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के कोने में है, आज उसकी एक छटा आपको इस शिल्पहाट जगह पर देखने को मिलेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, कृषियों के उपकरण, हमारी और जो कार्यक्रम आज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उनकी एक झलक मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से अपने लोगों को जरूर कहें कि एक छटा इसकी देखकर जाएं, आपको भूल जाएंगे कि प्रगति मैदान की आपका आयोजन और आपके गौतम बुद्ध नगर के अंदर ग्रेटर नोएडा के आयोजन से भी कहीं आयोजन कहीं कम नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे भारत की संस्कृति की महक जो हमारी पहचान है कि कौन सी ऐसी ताकत है जो 130 करोड़ देशवासियों को, जहां हर 150 किलोमीटर पर धर्म जाति भाषा बदल जाता है, कौन सी ऐसी ताकत वो बांधे हुए है। उस ताकत को आगे बांधने का काम 2014 में जब देश में एक अंधियारा था, विश्वास नहीं था किसानों के, युवाओं के दिल में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2017 में योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद यही अधिकारीगण, यही जिनकी कार्यशैली में बदलाव आया है, आज आप नोएडा के लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं जेवर के कुछ लोग भी यहां बैठे दिखाई दे रहे हैं। आप मानते हैं कि पिछले 3 से 5 6 वर्षों के अंदर देश और आपके उत्तर प्रदेश ने जो विकास किया है, जो नई भारत लिखी है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपका प्रदेश 23 करोड़ लोगों का प्रदेश है, विश्व के 5 देशों की जनसंख्या 192 देशों में से आपके उत्तर प्रदेश से ज्यादा, कुल 5 देशों की, तो आपके प्रदेश की ताकत, आपके प्रदेश की अहमियत आप समझ सकते हैं कि आप किस प्रदेश के वासी हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश की शो विंडो है, एनसीआर का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके यहां माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ, मोदी जी के सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ, पूरे विश्व का पांच हमारे जो उस पर एयर स्ट्रिप्स बनेंगे, जेवर तक मेट्रो, जेवर के लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे सामने, जेवर तक मेट्रो की कल्पना, इस नोएडा गौतम बुद्ध नगर में मेट्रो का जाल, ऋतु माहेश्वरी जी, हमारे नरेंद्र भूषण जी, हमारे जिलाधिकारी अरुणवीर जी, सब लोगों ने मिलकर पिछले कोरोना काल के अंदर उत्तर प्रदेश में कोरोना को जिस तरह से कंट्रोल किया है, एक चिकित्सक होने के नाते मैं उसकी, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया है। उत्तर प्रदेश में 16, 18, 20 घंटे तक बिजली का मिलना, कुंभ जैसे महाआयोजन का उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य के अंदर, आज क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता है, जब योगी जी ने हुंकार भरी थी कि क्रिमिनल्स की जगह इस उत्तर प्रदेश की माटी में ना होकर कहीं और होगी, तो आज क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, कमिश्नरेट आई, आलोक सिंह जी हमारे पहले कमिश्नर बने आलोक सिंह जी, आज देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर और खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर, यहां का उद्योगपति भाई ललित ठुकराल जी सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1 लाख से अप्रैल ग्रुप है उनका, जिनके से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो अप्रैल से ये गारमेंट्स बनाने की योजना है उस योजना को अंजाम देते हैं, और आज अप्रैल पार्क बन रहा है वही नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बन रहा है, दूसरा बहुत बड़ा केंद्र यमुना प्राधिकरण में अरुणवीर जी के सानिध्य में बन रहा है। साथियों, ये किसकी सोच है? वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने राम मंदिर की कल्पना, जो हमारे संतों महापुरुषों ने 492 साल की लड़ाई के बाद की थी, आज देश के मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ईमानदारी से कलेजे पर हाथ रखकर सोचना, मुझे इजाजत मिल गई है 2-3 मिनट में मुख्यमंत्री जी जब तक ज्वाइन करें मैं आपसे और वार्तालाप कर लूं, कल्पना करें
सोच नहीं सकते थे हम लोग, सोच नहीं सकते थे कि राम मंदिर का सपना हमारे जीवन काल के अंदर पूरा होगा। मुझे ध्यान है एक कवि सम्मेलन में जब एक कवि ये सुना रहा था कविता कि भगवान राम इंग्लैंड चले जाओ, सदियां लग जाएंगी मंदिर को बनाने में। ये मेरे मीडिया के भाई पूछते हैं, राम लला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। साथियों तारीख भी आ गई है और भव्य और दिव्य का राम मंदिर, आज दिव्य मंदिर आज हमारे, इनको लेके जाओ, इनको अटैक कर लेते हैं। मेडिकल वैन चाहिए, मेडिकल वैन, मेडिकल वैन को लेके जाओ। डीएम साहब जरा देखें किसी पत्रकार बंधु को, मेडिकल वैन तो नहीं तो तुरंत हमारी गाड़ी लगा दे। के नेतृत्व में नया इतिहास, नई भारत लिखी जा रही है। आज यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। जिनकी कल्पना लोग सोचते नहीं थे, धारा 370 कश्मीर के अंदर एक इतना सुंदर इसकी व्यवस्था की जाएगी, इतना सुंदर इलाज किया जाएगा कि तीन तीन आज चीजों के लिए तीन तीन हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग तीन तीन केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसकी कल्पना कभी हमारी पीढ़ी के लोगों ने की नहीं थी, हमारे से बुजुर्गों ने की नहीं थी इसी कल्पना को। साथियों वो आपका सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। विकास के माध्यम से डीबीटी जिसकी हम बात करते हैं, हमारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसानों से जब हम पूछते थे कि बाबा बताओ किसान निधि की पूरी कीमत 2000-6000 रुपए आपके खाते में आई, तो किसान कहता था जी पूरे आई। बिचौलिए खत्म हो गए और उन्हीं बिचौलियों को खत्म करने के लिए आज हमारी बिल हमारी सरकार लेकर आई थी। ये किसान के बिल थे, इनका एक मकसद था। ये विश्वास है इस किसानों को, इस देश के लोगों को कि मोदी जी के हाथों से कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जो किसान के हित में ना हो। एक ही ध्येय था कि मेरे किसान की आमदनी दुगनी कैसे हो, किसान का जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े, किसान के और बीच के अंदर ये बिचौलिए लोग खत्म हो जाए, यही सिर्फ एक सोच थी और इसी विश्वास को लोगों ने जताया भी है। पहली बार जिस व्यवस्था से देश में सरकार बनी, अगली बार उससे ज्यादा सांसद देकर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया। 335 विधायकों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने जो इबारत लिखी है उत्तर प्रदेश के अंदर, साथ ही उसकी एक झलक आज आप अगर देखना चाहते हैं तो इस झांकी के अंदर आपको मिलेगी, इस शिल्पाट के अंदर। मैं चाहूंगा, सबसे आह्वान करूंगा, मैंने अधिकारियों से भी कहा है कि जो कुछ हमने किया है वो देश की जनता, प्रदेश की जनता को पता भी चलना चाहिए कि ये योगी जी और मोदी जी की जोड़ी मिलकर कितनी बड़ी इबारत लिख रही है। उठाकर आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हमारे जो भी कलाकार हैं, जो भी हमारे ऐसे प्रोड्यूस जो क्षेत्र के अंदर करते हैं, उनको अपना प्रदर्शन का एक मौका मिला है। यहां पर हमारे देश की सरकार का, योगी जी की सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि जहां किसान का हो भला हो, जहां गरीब के लिए भी कार्यक्रम हो, यहां के जो कलाकार हैं उनकी भी एक छटा आपको देखने को मिलेगी और जो ऐसे छोटे उद्योगपति हैं एमएसएमई के माध्यम से उनके स्टॉल्स भी यहां देखने को मिलेंगे ताकि उनके जीवन में भी एक नया संचार हो, उनका जीवन स्तर भी उठे। और जब तक इस देश का 70-80% किसान मजदूर अगर विकास की उस मुख्य धारा में अगर नहीं बहेगा तो भारत की विकास की कहानी, भारत के विकास की गाथा पूरी नहीं होगी। आज उसी व्यवस्था को देखते हुए आज 80 जिलों के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज विकास की नई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को विकास से जोड़ा गया है, हर डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, हर यहां के किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, बिजली दी जा रही है, पानी के ऊपर अब व्यवस्था की जा रही कि गांव गांव तक पानी पहुंचे। आजादी के बाद 18,000 गांव में आज तक बिजली भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश के अब हर गांव में बिजली है, हर मजरे में बिजली है। बिजली अधिकारी जाकर वहां कर कहते हैं कि आइए बिजली लीजिए। यह हमारा काम करने का तरीका है और इसी काम करने के तरीके के कारण आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में ही नहीं, आपको भी
अच्छा लगता होगा जब हमारे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आती थी कि उत्तर प्रदेश उस पायदान की सीढ़ी पर एक नंबर पर खड़ा है, चाहे वो कोरोना पे कंट्रोल की बात हो, चाहे किसानों के विकास की बात हो या अन्य विकास की गतिविधियों की बात हो, तो उत्तर प्रदेश एक नंबर पे खड़ा होता था, होता है। आपको भी देश सुनकर सीना चौड़ा हो जाता होगा कि मैं भी उस उत्तर प्रदेश की माटी का बेटा हूं, मैं भी उस उत्तर प्रदेश की माटी का रहने वाला हूं। ये आपका गौतम बुद्ध नगर कोई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये मिनी भारत नहीं मिनी विश्व है। मैं आज के इस मौके पर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है, आज के दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।